जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौके पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। इस मौके पर इनका मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से वर्ल्ड सेफ्टी वीक के हवाले से प्रोग्राम इनका गया था, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि वो कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन घर के इस्तेमाल ना करें और कार सवार ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके खुद को भी हादसा से महफूज रखें और दूसरों को भी हादसा से महफूज रखें। ये मुहिम इंशाल्लाह 7 दिन जारी रहेगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी। यहाँ पे जलालपुर पीरवाला तहसील में वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के हवाले से एक्टिविटी की है, इसमें वार्डन के हजरात और रेस्क्यू के हजरात ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें बताया गया है कि जो है ना, एक तो जो कम उम्र बच्चे हैं वो अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें, बाइक ना चलाएं, ठीक है ना, और दूसरा कोरोना को SOPs को मद्देनजर रखते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो अपने दूसरी इनको ये हिदायत की गई है कि आप जो है ना ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से पाबंदी करें ताकि रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं डेली बेस में उसकी शरह को कम से कम किया जा सके। जी, इस मौके पर शहरियों में फेस मास्क और पंपलेट भी तकसीम किए गए। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वसेब की बात।